मध्य प्रदेश के उमरिया जिला मुख्यालय के कोतवाली अंतर्गत दूर संचार विभाग के पास मेन रोड पर तेज गति से आ रहे भवानी ट्रांसपोर्ट के ट्रक ने एक होमगार्ड जवान के इस्तेकाम पुलिसकर्मी को टक्कर मार दी, जिसमें पुलिसकर्मी घायल हो गया। मौके पर मौजूद कुछ स्थानीय नागरिकों ने घायल जवान को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका उपचार जारी है। वहीं जिले के मानपुर थाना क्षेत्र में तेज गति से आ रही अनाज से भरी पिकअप वाहन पलट गई, जिसमें सवार 6 लोग घायल हो गए। घायलों में एक युवक की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर जबलपुर के लिए रेफर कर दिया गया है। इन दोनों घटनाओं में पुलिस ने जांच के बाद वैधानिक कार्यवाही की है। गौरतलब है कि इन दिनों जिलों में रोड एक्सीडेंट की घटनाएं निरंतर बढ़ती जा रही है। इसके पहले भी एक्सीडेंट के दौरान अनेकों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। एक्सीडेंट होने का मुख्य कारण है कि लापरवाह वाहन चालकों द्वारा नशे की हालत में वाहनों को तेज गति से रोडों पर चलाया जाता है। पेश है मैनपुरी के संवाददाता शंकर सिंह की खास रिपोर्ट। आज एक पिकअप जो है वो गल्ले से लोड थी, उसमें गल्ला भरा हुआ था। वो पिकअप मानपुर तरफ जा रही थी, ये अपने इंदौर तरफ की रोड से आकर के मानपुर जा रही थी। मानपुर जो तिगड्ढा है उससे 3-4 किलोमीटर और आगे मानपुर तरफ जैसे ही पहुंची है, अनियंत्रित होकर के वो पिकअप पलट गई थी, जिस पर से 6 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 2 को गंभीर चोटें आई हैं। उन सभी आहतों को तत्काल मानपुर थाने के स्टाफ द्वारा आकर के मानपुर PSC पहुंचाया गया था, जहां से उनको उमरिया जिला अस्पताल के लिए मानपुर तहसील से रेफर कराया। इसको हेड इंजरी भी है, क्रश इंजरी है, लेफ्ट फुट फ्रैक्चर है, राइट हैंड फ्रैक्चर है और अभी अनकॉन्शियस है, ब्लैक आई है। इसको जबलपुर रेफर किया गया है, 108 अभी आने वाली है। तो साल उमरिया में एक लगभग 50 वर्ष के पुरुष को सड़क दुर्घटना के पश्चात उपचार हेतु जिला चिकित्सालय लाया गया है, जिसका प्रारंभिक उपचार मेरे द्वारा किया गया। पिकअप में गल्ला था, गल्ला की वजह से वो पिकअप पलटी तो 6 आदमी थे और फिर एक घायल हो गया मेरे चाचा।